हेलो डियर स्टूडेंट्स, आगे फिफ्थ पेपर में हम बात कर रहे थे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट या मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्रिक ऑपरेशंस या मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट ग्रुप। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्टिंग इसका स्टडी किया था और वहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया था सिमेट्री एलिमेंट या सिमेट्रिक ऑपरेशन आइडेंटिटी ई का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम किस प्रकार से करेंगे। आज हम कुछ दूसरे सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हुए उनका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे और फिर किसी एक पॉइंट ग्रुप का एग्जांपल भी लेंगे। तो लास्ट में हमने जो सिमेट्री एलिमेंट ई के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किया था वो इस प्रकार से आया था, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस प्रकार से हमने सिमेट्री एलिमेंट में आइडेंटिटी के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किया था। यहाँ पर ये जो टॉप टू बॉटम लेफ्ट साइड में टॉप से बॉटम की तरफ डायगोनल हम आते हैं, ये एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स या ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं। ये क्या हो गए, 1 1 1। तो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हुआ किसका, सिमेट्री एलिमेंट आइडेंटिटी का। अब हम सी टू जेड की बात करते हैं कि सी टू जेड के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार होगा। यहाँ हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और जैसा कि हमने यहाँ पर एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट हैं उनके ट्रांसफॉर्मेशन का स्टडी किया था, तो उसी प्रकार हम सी टू जेड के लिए भी जो एक्स एक्स जेड एक्स और वाई एक्स है उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब इस प्रकार से जो हमने कोई भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की एक्स वाई और जेड जो कोऑर्डिनेट हैं उनको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन कोऑर्डिनेट पर सिमेट्री ऑपरेशन का क्या इफेक्ट होगा वो हमें देखना है, और वो जो चेंज आया है उस चेंज को हम मैट्रिक्स के रूप में या मैथमेटिकल स्टेटमेंट के रूप में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। वही क्या होगा, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो जब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हमने लिया और इसके ऊपर हम सी टू जेड ऑपरेशन करवाए, इसके ऊपर हम सी टू जेड ऑपरेशन करवाएं तो क्या होगा, सी टू जेड का मतलब क्या हुआ कि जेड एक्स के सापेक्ष इसमें सी टू ऑपरेशन करना है, और सी टू का मीन हुआ, सी का मीन है रोटेशन जेड एक्स के सापेक्ष क्योंकि सी टू जेड है, और टू का मीन हुआ जो एंगल है रोटेशन का वो 180 डिग्री है, क्योंकि 360 को जब हम 180 से डिवाइड करेंगे तो एन का वैल्यू 2 आएगा। ये जो एक्स
वाई और जेड एक्सेस हैं, इनको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स और ये ऊपर जेड एक्स। ये किसी ऑब्जेक्ट के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं, ये एक्स, ये वाई और जेड। इस जेड एक्स के सापेक्ष इसको हम रोटेट करेंगे 180 डिग्री पर। जब इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री पर रोटेट करवाएंगे तो क्या होगा, ये 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री और, तो इस प्रकार से ये रोटेशन होगा। क्या चेंज आया, जेड एक्स जिस डायरेक्शन में या जिस लोकेशन पर था वहीं पर है, एक्स एक्स का लोकेशन उसकी पूर्व की जो लोकेशन उसके जस्ट अपोजिट आ गया, और वाई एक्स का लोकेशन भी उसकी जो पूर्व की लोकेशन है उसके जस्ट अपोजिट आ गया। जब हम थ्री डायमेंशनल वे में एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपको ध्यान है कि इस जेड के नीचे का जो एक्स है उसे हम माइनस जेड कहेंगे, इस एक्स के जस्ट अपोजिट को हम माइनस एक्स और वाई के जस्ट अपोजिट को हम माइनस वाई। तो जब हमने सी टू जेड ऑपरेशन किया किस पे, इस लोकेशन पे या इस कोऑर्डिनेट पे सी टू जेड ऑपरेशन करने से जेड वही रहा, एक्स माइनस एक्स बन गया और वाई माइनस वाई बन गया। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, जेड वही है, एक्स जस्ट अपोजिट, ये क्या हो गया, आप एक्स किस गए माइनस एक्स, वाई जस्ट अपोजिट, और ये क्या हो गया, अब वाई की जगह माइनस वाई। तो पहले जब इस ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसका जो फर्स्ट पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन है, उसको हम जब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का वैल्यू है। तो सी टू जेड ऑपरेशन करने के बाद में इन कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या हो गया, माइनस एक्स माइनस वाई और जेड, क्योंकि जेड में कोई चेंज नहीं आया, जेड वही है। तो इस प्रकार सी टू जेड ऑपरेशन करने पर इस ऑब्जेक्ट के एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट में इस प्रकार से चेंज आ गया। तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, सी टू जेड एक्स वाई और जेड पे हमें करना है। जब हमने सी टू जेड ऑपरेशन एक्स वाई जेड पर करवाया तो क्या हुआ, एक्स बन गया माइनस एक्स, वाई बन गया माइनस वाई और जेड एज इट इज रहा। जिस प्रकार से आइडेंटिटी ऑपरेशन ई में हमने लिखा था उसी प्रकार से इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स यानी माइनस वन एक्स प्लस वाई का कुछ भी नहीं है तो जीरो वाई, जेड का कुछ भी नहीं है जीरो जेड। यहाँ जो नेक्स्ट रो है उसमें माइनस का वाई है तो एक्स का जीरो, माइनस का वन वाई प्लस जीरो जेड। फिर थर्ड रो के लिए एक्स का कुछ भी नहीं है तो जीरो एक्स, वाई का भी नहीं है जीरो वाई, जेड वन है तो वन जेड। इस प्रकार से अब इसको हम क्या ले सकते हैं, ये एक्स वाई जेड को कॉमन ले लें और जो न्यूमेरिकल फॉर्म है उसी को हम लिखें, तो माइनस वन जीरो जीरो, ये जीरो माइनस वन
जीरो 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 प्लस वन, और ये कॉमन एक्स वाई जेड। ये एक्स वाई जेड कॉमन है, तो मैट्रिक्स क्या आया सी टू जेड का, ये। और यहाँ इसके ट्रेस क्या होंगे, माइनस वन माइनस वन वन। इस प्रकार सी टू जेड के लिए हम ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से कर सकते हैं। पहले हमने किसके लिए लिखा, आइडेंटिटी ऑपरेशन ई के लिए, अब हमने किसके लिए लिखा सी टू जेड के लिए। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन ले रहे हैं, जैसे मैंने दो जो सिमेट्री एलिमेंट या सिमेट्री ऑपरेशन सेलेक्ट किए हैं उससे आप समझ गए होंगे कि यहाँ एक तरह से हमारा टारगेट है सी टू वी पॉइंट ग्रुप या एस टू ओ मॉलिक्यूल। हम उसके लिए उसको एक एग्जांपल के रूप में लेकर देख रहे हैं कि सी टू वी या एस टू ओ मॉलिक्यूल के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने क्या पढ़ा कि किसी पॉइंट ग्रुप का या किसी ग्रुप का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन उस ग्रुप के जितने भी सिमेट्रिक ऑपरेशंस हैं उन सभी के मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का सेट होता है। इसलिए हम इंडिविजुअल जितने भी सिमेट्रिक ऑपरेशंस हैं उस ग्रुप में उन सभी के लिए क्या लिख रहे हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो सी टू जेड का आ गया, यहाँ हम लिख लेते हैं सी टू जेड के लिए आया माइनस वन जीरो 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 माइनस वन जीरो जीरो और प्लस वन, ये आया सी टू जेड के लिए। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ, एक्स जेड वाई, एक्स वाई और जेड। अब हम सिग्मा एक्स जेड, सिग्मा एक्स जेड को ले लेते हैं कि ये जो सिमेट्री ऑपरेशन है इस सिमेट्री ऑपरेशन के लिए इसके जो कोऑर्डिनेट है उनका ट्रांसफॉर्मेशन जब करेंगे इस ऑपरेशन के द्वारा तो क्या चेंज आएगा, और उसके अकॉर्डिंग उसके लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो कोई ऑब्जेक्ट है उसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट यहाँ शो कर रखे हैं, उस पर अब सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई किया, कौन सा, सिग्मा एक्स जेड। सिग्मा एक्स जेड, सिग्मा का मतलब क्या हुआ, मिरर प्लेन, और एक्स जेड का मीन हुआ कि एक्स जेड प्लेन को इंक्लूड करते हुए मिरर प्लेन है। तो जैसे हमने ये तीन एक्सेस यूं दर्शाई थी, ये जेड एक्स, ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स, इस प्रकार से एक्स वाई जेड। अब हम जो प्लेन ले रहे हैं वो एक्स और जेड को इंक्लूड कर रहा है, दैट मीन्स वो प्लेन इस प्रकार से होगा। जब वो इस प्रकार से प्लेन जाएगा तो उसके अंदर जेड एक्स भी इन्वॉल्व हो गया और एक्स एक्स भी इन्वॉल्व हो गया इस प्रकार से। तो वो जो प्लेन हम रखेंगे तो उस प्लेन में क्या होगा, एक्स और जेड का पोजिशन वहीं का वहीं दिखाई देगा। ये वाई जो इस तरफ दिखाई दे रहा है यहाँ मिरर लगाने पर वो हमें इस तरफ यूँ दिखाई देगा, ये कैसे दिखाई देगा, यहाँ पर ऐसे। दैट मीन्स जब हम ये सिमेट्री ऑपरेशन कर रहे हैं तो एक्स एक्स की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, उसके कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आया, जेड एक्स में भी कोई चेंज नहीं आया, वाई एक्स का पोजीशन प्लस वाई की तुलना में माइनस वाई हो गया। तो इसको अब हम लिखेंगे
चेंज क्या हुआ, जेड वही है, एक्स भी वहीं पर रहा, लेकिन वाई का पोजीशन जस्ट अपोजिट हो गया इस प्रकार से, और हमने लिख दिया इसको किससे, माइनस वाई से। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑपरेशन करने के बाद में जो ऑब्जेक्ट आया उसकी कोऑर्डिनेट आप क्या लिखेंगे, उसका पोजीशन शो करने के लिए एक्स माइनस वाई और जेड, ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद उसके कोऑर्डिनेट हो गए ऑब्जेक्ट के। अब इसको हम मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ लिख दिया क्या, सिग्मा एक्स जेड ऑपरेशन किस पे, ऑब्जेक्ट के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पर। जब हमने एक्स वाई जेड पर ये ऑपरेशन किया तो क्या हुआ, एक्स का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, वाई माइनस वाई बन गया और जेड का पोजीशन चेंज नहीं हुआ। इस प्रकार से ये जो ऑपरेशन किया है, इस ऑपरेशन के बाद में जो कोऑर्डिनेट चेंज हुए उनको हमने दर्शा दिया, और जैसा हमने पहले किया था उसी प्रकार से इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन एक्स प्लस जीरो वाई प्लस जीरो जेड सेकेंड रो के लिए, जीरो एक्स माइनस वन वाई प्लस जीरो जेड थर्ड रो के लिए, जीरो एक्स प्लस जीरो वाई प्लस वन जेड। और एक्स वाई जेड कॉमन लेने पर क्या आएगा, वन जीरो 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 माइनस वन जीरो 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 वन। एक्स वाई जेड ये कॉमन हो गया, तो सिग्मा एक्स जेड के लिए मैट्रिक्स ही आ गया। ट्रेस क्या है इसके, वन माइनस वन वन। इसको हम यहाँ लिख दें कि सिग्मा एक्स जेड के लिए मैट्रिक्स आया वन माइनस वन और वन। वन जीरो 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 माइनस वन जीरो और प्लस वन, ये किसके लिए आ गया, सिग्मा एक्स जेड के लिए। इस प्रकार हमने इन तीन सिमेट्री एलिमेंट के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देख लिया। अब हम सिग्मा वाई जेड के लिए देखेंगे कि सिग्मा वाई जेड जब ऑपरेशन करेंगे तो ऑब्जेक्ट के एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट है उन कोऑर्डिनेट में क्या चेंज आएगा। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा, निकाल लिया होगा कि क्या आना चाहिए। अब हम वाई जेड प्लेन को इंक्लूड करते हुए मिरर प्लेन रख रहे हैं, तो जब हम वाई जेड को रखेंगे तो पोजीशन किसका चेंज होगा, एक्स का। तो क्या बन जाएगा, जेड वही रहेगा, वाई का लोकेशन भी वही रहेगा, सिर्फ एक्स का लोकेशन जस्ट अपोजिट, और उसे हम किसे लिखेंगे, माइनस एक्स से।
और यहाँ कोऑर्डिनेट को लिखेंगे माइनस एक्स वाई जेड, माइनस एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म प्राप्त करने के लिए हम क्या लिखें कि सिग्मा वाई जेड ऑपरेशन किया एक्स वाई जेड पर, तो हमें प्राप्त क्या हुआ, माइनस एक्स वाई जेड। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन एक्स प्लस जीरो वाई प्लस जीरो जेड, सेकेंड रो के लिए जीरो एक्स प्लस वन वाई प्लस जीरो जेड, थर्ड रो के लिए जीरो एक्स प्लस जीरो वाई प्लस वन जेड। और इसको हम लिख सकते हैं माइनस वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। तो सिग्मा वाई जेड के लिए मैट्रिक्स ये आ गया, ये इसके करैक्टर या ट्रेस। तो इसको हम यहां लिख देते हैं अभी, सिग्मा वाई जेड का मैट्रिक्स आया माइनस वन जीरो जीरो वन जीरो 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 वन। इस प्रकार हमने ये कुल चार सिमेट्री ऑपरेशन लिए, सिमेट्री एलिमेंट्स लिए, और इनके लिए हमने देख लिया कि इनका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होगा। और ये हमें ध्यान है कि ये जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं यही सिमेट्री एलिमेंट पाए जाते हैं किसमें, सी टू वी पॉइंट ग्रुप H2O के लिए। H2O के लिए जब हम C2V पॉइंट ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें जो सिमेट्री एलिमेंट हैं, टोटल सिमेट्री एलिमेंट निकालने के लिए CNV में 2N होते हैं, तो N का वैल्यू 2 है, तो कितने आएंगे टोटल, चार सिमेट्री एलिमेंट या सिमेट्रिक ऑपरेशंस, E C2Z सिग्मा XZ और सिग्मा YZ, ये हो गए। तो इस C2V के लिए जब हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, C2V का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू E का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इनटू C2Z का इनटू सिग्मा XZ का इनटू सिग्मा वाई जेड। ये सेट हो गया मैट्रिक्स का, जो ग्रुप के सिमेट्री ऑपरेशंस हैं उनका जो मैट्रिक्स है उनका सेट। तो यहां पर C2V इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, फिर C2Z के लिए माइनस वन जीरो 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 माइनस वन जीरो 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 वन।
फिर सिग्मा एक्स जेड के लिए 1 0 0 0 -1 0 0 0 1, फिर सिग्मा वाई जेड के लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये सेट हो गया। अब इस सेट के अकॉर्डिंग जब हम C2V के लिए फाइनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर इन सब का आपको, जैसे ये इनके ट्रेस हैं एक्स वाई जेड के सापेक्ष, ये ट्रेस लिखने हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, C2V आइडेंटिटी ऑपरेशन C2Z सिग्मा XZ सिग्मा YZ, X एक्स में चेंज, Y एक्स में और Z एक्स में। तो देखो इसमें एक्स वाई जेड एक्स में जो चेंज आया है वो क्या, 1 आइडेंटिटी ई के लिए इनके जो ट्रेस हैं उसके अकॉर्डिंग अगर लिखे हम, फिर सी टू जेड के लिए -1 -1 और 1, सिग्मा एक्स जेड के लिए 1 -1 1, और सिग्मा वाई जेड के लिए -1 1 1। इस प्रकार से ये C2 के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस प्रकार किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी पॉइंट ग्रुप के लिए हम उनकी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज इतना ही।